अब मैं सोच रहा हूँ जितने काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे जितने भी क्वेश्चंस इसमें मैंने लिखे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं डील नहीं कर पाऊँगा। इसे डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैं बताया मैंने कि डिस्क्रिप्शन में इसकी एक लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ से आप ये PDF एक डाउनलोड कर लो, उसमें सारे क्वेश्चन हैं, आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। इसको सॉल्व ज़रूर करना, कहीं दिक्कत हो तो पूछना है आपको। चलिए, ज़्यादा सफ़र नहीं बचा हुआ है, कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग काउंटिंग का, ठीक है। काउंटिंग के लिए वही फार्मूला मैं बता देता हूँ फिर से। आपके पास AXBY है, अगर इसके एक मॉलिक्यूल में एक्स ए एटम्स, बी वाई बी एटम्स, इसका एक मोल लेंगे तो एक्स मोल ए वाई मोल बी, ठीक है। अगर इसका के मोल्स लेते हैं हम लोग तो अल्फा के मोल्स के इंटू एक्स, अब बी के मोल्स के इंटू वाई, पार्टिकल्स ये नंबर ऑफ मोल्स निकले, एन ए और एन बी। पार्टिकल्स देखेंगे तो पार्टिकल्स ए के कितना हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए, पार्टिकल्स बी के कितना हो जाएंगे, दिस इज नॉट प्रेशर, दिस इज पार्टिकल्स, कितना हो जाएंगे के इंटू वाई इंटू एन ए, ठीक है। इसको डिटेल में देखना हो तो कौन किसे पढ़ाया था, रिलेशन विथ मास से पढ़ा रखा है, ठीक है, मोल का रिलेशन मास के साथ, 1.5 घंटे वाली वीडियो उसमें पढ़ा रखा है। चलिए, अब इसी का यूज़ करना है हर जगह, वही मतलब पहले आपको इस चीज़ का, आपके पास नम ये तो चलो ये तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स वाई, क्योंकि ये दिया हुआ है। आपको क्या निकालने, के निकालने, के व्हाट इज़ के, दिस इज के इज नंबर ऑफ मोल्स। आपको सबसे पहले मोल्स निकालना होगा, मोल्स निकाल के इसके नंबर ऑफ एटम से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो मोल्स आए उसमें फिर आपको एन ए से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बस यही आपको काम करना है, ये अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ये इन 5 मोल्स ऑफ H2SO4। चलिए, 5 मोल्स हैं आपके पास किसके, H2SO4 के, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, H का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, NH, NS और NO वाले निकाल लो आप। एक में दो है तो 5 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 10 मोल्स हो जाएंगे। सल्फर कितना हो जाएगा, तो ये 5 मोल्स हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे भाई, तो एक में 4 है तो इतना में 5 × 4 20 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। पार्टिकल्स निकालना हो और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ये कितना हो जाएगा, तो 10 Na। फिर नंबर ऑफ सल्फर एटम्स ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 5 Na, है कि नहीं। और ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 20 Na। मतलब ये इतने का मल्टीपल्स में बढ़ता है, ये 2 है तो 2 5 10, 1 × 5 5, 4 × 5 20, ठीक है। बस वही चीज़ यहाँ पे कर रखा था, एक्स इंटू के वाई इंटू के, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स इंटू के एक्स, वाई इंटू के वाई, मोल ये मोल्स ने पार्टिकल्स निकालने के लिए सब मैंने से मल्टीप्लाई कर देंगे, एज सिंपल एज डैट। नेक्स्ट इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड में उसे आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। मास कितना दिया हुआ है, 122.5 ग्राम, किसके भाई, कंपाउंड कौन सा यूज़ कर रहा है ये, तो जो कंपाउंड वो यूज़ कर रहा है वो है पोटेशियम क्लोरेट। देखिए, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं ना जो नहीं, जिसको सिंबल फार्मूला बनाने तो आता है, फार्मूलाज बनाने तो आता है, लेकिन वो क्या होता है ना उनके साथ सिंबल वैलेंसी उनको याद नहीं हो पाती है। इसका एक सॉल्यूशन है, लोग बोलते हैं ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं, एक ही सॉल्यूशन है, आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस इट 100 टाइम्स, उसमें याद हो जाता है। आपके घर एक चाचा जी आते हैं, आप उनको एक बार में नहीं पहचान पाएगा, मैं भी नहीं पहचान पाता हूँ अपने एक चाचा को, अगर बहुत टाइम बाद हुआ है तो। वही चाचा रोज़ घर पे आने शुरू कर दें तो मैं पहचान जाऊँगा कि अरे ये तो वही, वो दूर के वो पान के बगल में गली जाती थी उसके अंदर रहते थे ये चाचा, ठीक है। तो वही तरीका है आपके पास, रोज़ उस चाचा से मिलना पड़ेगा आपको उनको याद रखने के लिए, या फिर कम से कम हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, सेम आपके दिमाग के कैपेसिटी के हिसाब से आपको सिंबल वैलेंसी का याद करना पड़ेगा, सिंपल वैलेंसी को याद करना है। नहीं याद करोगे देन नो सॉल्यूशन। बहुत सारे लोग वीडियोस डाल रखे हैं या फिर पढ़ाते हैं कि ट्रिक्स से समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स काम करती हैं आई एग्री, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ट्रिक्स भूल जाओगे आप, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद ट्रिक्स समझो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ट्रिक्स भी जरूरी है, मान लो अगर आपको फास्ट सॉल्व करना है देन ट्रिक्स आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल, लेकिन चूँकि कोर कॉन्सेप्ट समझो ताकि आपको वो रिलेट कर सकोगे, इंटरलिंक कर सकोगे डिफरेंट चैप्टर्स को, नहीं तो जहाँ अगर एक चैप्टर से दूसरे कोई चैप्टर से मोर कॉन्सेप्ट को लिंक करके क्वेश्चन पूछ दिया देन यू विल फाइंड अ वेरी टफ टाइम टू सॉल्व इट।
ठीक है। तो चलो एक कंपाउंड दिया पोटेशियम क्लोराइड, यही टफ टाइम हो जाएगा आपके लिए। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं है, कहाँ से निकलेगा? इसका मास तो मान लीजिए दे दिया आपके पास, तो मास हो गया कितना, 122.5 ग्राम। ठीक है, हाँ। तो आपसे पूछ रहा, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मास दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन मास बाई मोलर मास। तो आपको मोलर मास चाहिए, मोलर मास निकालने के लिए सिंपल सी बात है फॉर्मूला तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, कहाँ कौन सा आईटी में पूछ रहा है फॉर्मूला बनाइए इसका। बहुत लोग ऐसे मना कर देते हैं, मेरे क्लास के दोस्त मना कर दिया करते थे। तो कौन सा आईटी में पूछा, वो सारे आईटी पूछ देंगे ना, डायरेक्ट नहीं पूछते ना, इनडायरेक्टली पूछ देंगे वो। ठीक है, तो मोलर मास से क्या है, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है, किसी को मालूम है? बोलो जोर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा है, कोई बात नहीं, को सुनाई नहीं देगा। KClO3, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट। एक सिंपल सी ट्रिक यही लोग बताते हैं कि इसी का मल्टीपल में रहता है। ठीक है, इसी का मल्टीपल में मोलर मास आता है, आप क्या लीजिएगा इसका मल्टीपल में मोलर मास? 1 का मल्टीपल में रहेगा सेकंड, मतलब इंटू 2 करें, इंटू 3 करें, आपको मालूम जब तक नहीं है तब तक आप नहीं कुछ कर सकते हैं। चलो पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास निकालते हैं। तो KClO3 बस 39 प्लस 35.5 प्लस 48, चलिए जोड़ लेते हैं, तो 8, 5, 13 और 9, 13 और 9 कितने होते हैं भाई, 22 है ना, 2, 4, 3, 7, 3, 10, वहाँ पे 2 बचा हुआ था, तो 122, ये 0.5 हो गया, इतने ग्राम हो गए। तो मोल्स निकाल लो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 182.5 ग्राम्स, एंड ये भी कितना है, ये गिवन मास भी उतना है, मोलर मास भी इतना ही है, कट गया नंबर ऑफ मोल्स 1। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन इतना ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे नंबर पूछ रहा है, सब का एक एक मोल दिया हुआ है, तो यहाँ पे पोटेशियम के एटम कितने हो जाएंगे, एक में एक है तो एक मोल में एक मोल हो जाएगा, मतलब 1 Na, सिंपल सी बात है ना। क्लोरीन के कितने एटम्स हो जाएंगे, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो एक में एक है तो चूंकि एक ही हो जाएगा, 1 Na। ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे, मुझे एक और स्टेप लिखना चाहिए था पहले, ऐसे मोल्स निकालने चाहिए थे, अब मैं नहीं लिखूंगा, मैंने बताया था अब धीरे धीरे फास्ट होने लगा, तो फास्ट होगा तो इसलिए अब ये नहीं लिखने वाला मैं। ठीक है, आप खुद से सोचो। ठीक है, ये जो नंबर है ना, यही तो नंबर यहाँ पे लिखे हैं आपका, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएगा, तो एक में 3 है तो एक मोल में 3 मोल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 Na। अब मैं यहीं से पूछ दूँ कि मासेस कितने कितने होंगे तीनों के, मतलब पोटेशियम में कितने मास है, क्लोरीन का कितना मास है, ऑक्सीजन में कितना मास है। ठीक है, तो वो भी निकाल सकते हैं आप, अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, मान लो यही मोल्स अगर लिखना हो, तो मोल्स एन के कितना है 1, एन सी एल कितना है 1, और एन ओ कितना है 3। तो आपको ये निकालना है, ये नंबर ऑफ मोल्स दे दिए हैं ना, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, तो अभी हम लोग देखा था 39, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 35.5, इसका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 3 है इंटू 16, ये हो जाएगा इतना ग्राम, ये इतना ग्राम और ये 48 ग्राम। फिर तीनों को जोड़ोगे 39, 35.5 ग्राम, 48 ग्राम, फिर आपके पास 122.5 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर तरीका, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी अगर कहीं डाउट वगैरह है, ये तो काउंटिंग तो आनी चाहिए, काउंटिंग नहीं आ रही भाई, तो फिर दिक्कत वाली बात है। ऐसे ये मोल्स निकालने आने चाहिए, यहाँ से पार्टिकल्स निकालने आने चाहिए, या अधिकतर हर एक अधिकतर क्वेश्चन में जॉब पड़ते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार लोगों से नहीं बन पाता है। ये क्या क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 मिलीलीटर वाटर। इसका डेंसिटी जो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन पहला गलती, वॉल्यूम को देखकर लोग 22.4 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहला गलती यही होता है। ठीक है, इस सबसे बेसिक बंदा ये दिक्कत कर देता है, तो क्यों नहीं डिवाइड होगा 22.4 से, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, पानी है, और वो 22.4 लीटर वाली कंसेप्ट अप्लाइज ओनली फॉर गैसेस, इसलिए पहली बात वो तो हम लोग डिवाइड कर नहीं सकते। अब हमारे पास कोई, अगर उसको छोड़ दिया जाए, अगर उस फॉर्मूले को, तो फिर हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिससे हम लोग मोल्स को वॉल्यूम के साथ रिलेट करें, क्योंकि मोल्स का वॉल्यूम के साथ रिलेशन सिर्फ किस में होता है, गैसेज में होता है। देन हमें मास चाहिए, वॉल्यूम दिया हुआ है, मास चाहिए, एंड डेंसिटी भी दिया हुआ है, देन आराम से मास निकल जाता है, क्योंकि वी नो डैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, वॉल्यूम भी मिलीलीटर में ही है,
इसलिए जो यूनिट्स मास में तभी मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि बस अंधाधुंध मल्टीप्लाइंग किए जा रहे हैं। तो 18 मास कितना हो गया, 18 ग्राम। अब निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए यहाँ पे आपके पास बोलिए। तो नंबर ऑफ सॉरी गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास आपके पास कितना 18 ग्राम्स। हाइड्रोजन कितना होता है तो सॉरी पानी कितना होता है, पानी दिस इज H2O, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, 2 + 16 18 ग्राम कट गया, कितना आया 1 मोल। अब कॉन्सेप्ट समझो, आपको H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ना एटम निकालना है ना मॉलिक्यूल निकालना है। दिस टाइम वी हैव द क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा एटम्स कितने हैं, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा एटम्स कितने हैं। ठीक है, तो पहले मॉलिक्यूल्स देख लेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है भाई, टोटल तो 3 एटम्स है हमारे पास, एक हाइड्रोजन का, दूसरा भी हाइड्रोजन का, तीसरा ऑक्सीजन का। तो आपको देखना है इस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब पता चल गया कि एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसमें उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले निकाल लो कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो वो निकालने के लिए ऐसे देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 2 × नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 1 × नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, नहीं इन ज़्यादा अच्छा है, इन ऑक्सीजन एटम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 2 × हाइड्रोजन एटम में 1 हो गया प्लस ऑक्सीजन एटम में कितने हैं 8, कितने हो गए आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन किस में, एक मॉलिक्यूल में है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, H2O के। तो इस फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स H2O का रखना पड़ेगा इनटू Na, H2O का मोल्स है हमारे पास, ये मोल्स किसका निकला, H2O का निकला है 1, तो ये कितना हो गया Na हो गया। अब एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो Na मॉलिक्यूल्स में 10 Na हो जाएंगे, इससे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, ये हो गया 10 Na, एज सिंपल। तो यहाँ पे गलती क्या होती है, लोग इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल, बस कंफ्यूज कर जाते, अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा, बहुत अंदर का भाग पूछ दिया भाई, इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल है, एटम पूछा था तब तो निकल जाना था, वो छोटा नहीं था क्या। तो वो देखो सिंपल से यही कंसेप्ट उन्होंने लगाया कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने देखा, देखना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स पड़ गए आपके पास, उस एटम्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, बस एज सिंपल एज डैट, आराम से आपका निकल जाएगा। ठीक है चलो, हाँ अगर मान लो ये दिया होता तो KClO3, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, आराम से 17 यूज़ कर लेंगे। पोटेशियम कितना होता है 19, 19 यूज़ कर लेंगे। ऑक्सीजन कितना होता है 8, 43 = 48 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, इसको जोड़िए आराम से बन जाएगा। ठीक है, किसी का एटॉमिक नंबर तो फ्रैक्शन में तो है नहीं, मास नंबर फ्रैक्शन में है, तो किसी का एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन में है नहीं, तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमेशा हमेशा एलिमेंट का क्या होता है, सेम होता है, बदलता तो है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ना ही प्रोटॉन्स निकालने में। हाँ अगर मैं यही पूछ देता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें, मान लेते ये न्यूट्रॉन सॉरी, मैं पूछ देता कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, देन यू हैव टू क्लैरिफाई और यू हैव टू गेट हैव टू क्लियर योर सेल्फ कि क्वेश्चन में क्लोरीन का कौन सा आइसोटोप दिया हुआ है, क्योंकि आपको मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। याद करो एक पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था, बेसिक्स वाले वीडियो में, ऊपर माइनस नीचे, ठीक है, तो ऊपर लिखा होता है मास नंबर, ऐसा होता है ना, नीचे हो जाता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है मास नंबर, A-Z होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास क्लोरीन का कौन सा आइसोटोप है। क्लोरीन 1735 होता है और एक क्लोरीन 1737 होता है, आई थिंक अलग होता है क्या, शायद यही होता है, याद नहीं आ रहा यार, चलो कोई नहीं, भूल जाता हूँ, थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई है, देख लेना इसको, एक 37 एक शायद 35 होता है, 7, 5, 12 दोनों का आधा शायद यही होता है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आइसोटोप लिया हुआ है, मान लीजिए ये गलत लिखा हुआ है, केस उस मत कर देना भाई मेरे ऊपर, गलत लिख कर पढ़ा दिया, इसको क्लैरिफाई कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है कि ये देख लेना है कि कौन सा आइसोटोप दिया हुआ है, ये वाला आइसोटोप दिया हुआ है, ये वाला आइसोटोप दिया, उसके हिसाब से घटा के आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यूज़ करना है। क्वेश्चन में बता देता हूँ उससे, ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक,